बैक टू माय चैनल नैन्सीज डिलीशियस फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दाल की सिंपल चीज़ जो घर में बनती है, दाल की रेसिपी एंड फुल मील हमारा लंच मैं आपके साथ शेयर। दाल हमने बॉईल कर दी है, पीली दाल जो होती है मूंग की पीली दाल, और ये राई जीरा मैंने ऑयल लग दिया है, राई जीरा एंड हींग इसमें ऐड कर रही हूँ। तो तड़का आने के बाद मैं आपके साथ दाल शेयर करने वाली हूँ, रेगुलर वाली दाल। ये ग्रीन चिली मैंने कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर दिया है ऑयल में, दो कटे हुए टमाटर तो मिक्स करके मैं ऐड कर दूंगी स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी क्योंकि थोड़ी क्योंकि हमने दाल में बॉईल करने में भी ऐड कर दी है, ये सूखा धनिया, इसके बाद रेड चिल्ली पाउडर बहुत थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तीखा तीखा, एंड इसके बाद थोड़ा सा टेस्ट के लिए सांभर मसाला जिससे थोड़ा दाल का टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मैं ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए जब तक टमाटर थोड़े से गल जाए। ये झटपट 5 मिनट्स में दाल बनकर रेडी हो जाती है हमारी। ये देखिए 5 मिनट्स के बाद टमाटर एकदम, ये देखिए टमाटर एकदम गल गए हैं हमारे, एकदम इनको अच्छे से मैश करना है। जैसे मुंह में पीस आता है तो सबको अच्छा नहीं लगता टमाटर का पीस मुंह में आए, इसीलिए हम इसको एकदम मैश कर देते हैं चटनी की तरह। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारी दाल जो हमने बॉईल करके और क्रश करके रखी है, और इसमें अब मैं पानी जो जितना रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसमें वाटर ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने 1 कप जितना एक्स्ट्रा पानी ऐड किया है दाल के बाद भी, अब एकदम अच्छे से इसमें उबाल आएगा। उसके बाद धनिया पत्ती एंड नींबू ऐड करेंगे दाल में। ये देखिए हमारी दाल अच्छे से उबल रही है, ये मैंने भिंडी आलू के लिए कट कर दिए हैं आलू राउंड राउंड पीसेस में, एंड ये प्याज तला हुआ प्याज बहुत टेस्टी लगता है, छोटे छोटे प्याज नहीं थे तो मैंने एक ही प्याज को 4 पीसेस में कट कर दिया है। एंड ये अगर आपके पास टाइम नहीं है भिंडियों में मसाला वसाला भरने का तो आप ऐसे हाफ हाफ कट करके एंड उसको झटपट तल के आप ये खा सकते हैं। कभी कभार बहुत लेडीज़ के पास ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता है तो ऐसे आप झटपट कट करके हाफ हाफ आप तल सकते हैं। ये देखिए हमारी दाल एकदम से बन के रेडी हो गई है। अब लास्ट में हम इसके ऊपर धनिया पत्ती इसमें ऐड कर देंगे। एकदम अच्छे से पहले वॉश करनी है, मैं हर बार बोलती हूँ क्योंकि मानसून का सीज़न है, कोई भी सीज़न हो ख़राब होता ही है धनिया, थोड़ा मिट्टी वाला ही होता है। और लास्ट में हम नींबू इसमें 1/2 नींबू ऐड कर देंगे, नींबू का जूस। जिससे थोड़ा दाल का टेस्ट निखर के आएगा नींबू से। अब 2 मिनट के बाद बस हम बंद कर देंगे और हमारी दाल हो गई है एकदम से रेडी। अब मैं फुल थाली आपके साथ शेयर करूंगी। ये है हमारी दाल और ये भिंडी आलू मैंने सूप में डाल दिए हैं, और इसके बाद ये बन गए हैं हमारे चावल। अब मैं लास्ट में आपके साथ फुल लुक थाली का शेयर करूँगी। एंड ये देखिए ये बन रही है हमारी तवे वाली फुली फुली रोटी, एकदम हम नॉर्मली ऐसे ही रोटी बनाते हैं घर पे, और ये झटपट भी बन जाती है, और एकदम अगर 2-3 घंटे 5 घंटे भी पड़ी हो 10 घंटे भी पड़ी हो तो भी सॉफ्ट रहती है एकदम,
सो हम ऐसे ही रोटी पकाते हैं हमारे लंच के लिए या डिनर के लिए। कैसे ये देखिए हमारी दाल बनके एकदम सिंपल सी, ना मसाला ना खड़े मसाले ना कुछ भी नहीं, सिंपल सी हमारी रेगुलर वाली दाल बनके एकदम से रेडी हो गई है। ये है भिंडी आलू एंड जो मैंने प्याज एक डाला था वो, ये है टमाटर जो मैंने फ्लावर शेप में कट कर दिया है सैलेड के लिए, रोटी चावल ये सारा है हमारा आज का फुल मील लंच हमारा। एंड उसके साथ हमने सर्व किया है बटर मिल्क जिसको छाछ भी बोलते हैं। सो ये है हमारी फुल थाली जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। एंड दाल की रेसिपी मैंने इसमें ऐड कर दी है जो सिंपल सी हम रेगुलर में दाल खाते हैं।